हमीरपुर में अमर उजाला ग्रुप के द्वारा अपराजिता महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत हमीरपुर शहर में रैली निकाली और इस अवसर पर हमीरपुर के निर्जीव सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। रैली को हीरानगर के पास एसडीएम जाफिर इकबाल ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ एएसपी बलवीर सिंह, बलवीर बिरला, अमर उजाला ग्रुप के हमीरपुर वीरो प्रवीण कुमार, फोटोग्राफर राजकुमार भी मौजूद रहे। शहर में निकाली जागरूकता रैली के माध्यम से स्कूली छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया और नारे लगाकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रण लिया। गांधी चौक पर पहुंची रैली ने ढोल की थाप पर समा बांधा और पूरा बाजार रैली की गूंज से मंत्रमुग्ध हो उठा। अमर उजाला हमीरपुर वीरो प्रवीण कुमार ने बताया कि पूरे हिमाचल में ही अमर उजाला इस तरह महिला सशक्तिकरण को लेकर रैलियां कर रहा है, जिसके तहत ही हमीरपुर में भी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। धन्यवाद अश्विन जी। अमर उजाला महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम पूरे हिमाचल में और अपने सभी संस्करणों में कर रहा है। इस अभियान का मकसद है, जैसे कि इसका नाम ही अपराजिता है, हार नहीं मानना, पराजय ना होना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं को करियर काउंसलिंग, उनको कानूनी जानकारी, उच्च शिक्षा और व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होकर सक्षम बन सकें। आज इसी कड़ी में हमने हमीरपुर जिला मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण जागरूकता रैली करने जा रहे हैं, जिसमें जिले के तमाम स्कूल, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ताएं और महिला मंडल शामिल हो रहे हैं। ये रैली चिल्ड्रन पार्क से शुरू होगी और डांग कोवाली गांधी चौक से होते हुए भोटा चौक में इस रैली का समापन होगा, जहां प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट भी दी जाएगी। इस रैली को आईएएस अधिकारी व कार्यकारी एसडीएम जफर इकबाल जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलवीर सिंह व सीडीपीओ बलवीर बिरला जी हरी झंडी दिखाएंगे। धन्यवाद। वहीं एएसपी बलवीर सिंह ने बताया कि अखबार का प्रयास बढ़िया है और इस रैली का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, इसके लिए महिलाओं को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए समाचार पत्र की पहल अनोखी है और समाचार पत्र का प्रयास सराहनीय है। अपराजिता नाम से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अमर उजाला की पहल पे शुरू हुआ, उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे हमीरपुर में एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे काफ़ी मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के प्रति, और यदि उनके विरुद्ध कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उन्हें जागरूक किया जाए कि वो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, ताकि उनको न्याय मिल सके और सरकार की या विभागों की, अलग अलग विभागों की जो भी हमारी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो महिलाओं तक पहुंचे। ये प्रयास लगातार जारी है और ऐसी रैलियों के माध्यम से ये समाज में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं का हम सम्मान करें और उनको प्रेरित करें, और ताकि वो अपने जो उनके योग्यताएं हैं उनके अनुरूप वो अपना विकास कर पाएँ और समाज को महिलाओं की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि अगर महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार और पूरा समाज सशक्त होता है और देश आगे बढ़ेगा। इसी संकल्प के साथ इस रैली का आयोजन किया गया और इससे पहले भी कई कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे हैं, चाहे वो विभाग है, हमारे अलग अलग समाचार पत्र हैं, विभिन्न स्कूलों में जाके भी इस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ
लगातार संवाद किया जा रहा है ताकि उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं, महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिले और लाभ मिल सके।